आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, अनंतनाग के अंडमान सागर में हुई झड़प, सुरक्षा बल कर रहे हैं चप्पे चप्पे की तलाशी। G20 की बैठक को लेकर सुरक्षा हुई चाक चौबंद, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा बल पूरी तरह चौकस, G20 सम्मेलन के मद्देनजर की अतिरिक्त तैनात। मोदी के 9 साल बेमिसाल पर खास कार्यक्रम, जम्मू में रविंद्र रैना की अगुवाई में हुई बैठक, कर्नाटक की हार पर भी किया गया आत्ममंथन। नमस्कार, जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के अंडमान सागरम इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने सुरक्षा बलों के साथ मिलकर इलाके की घेरेबंदी कर बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया है। तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने आतंकी ठिकाने को भी ध्वस्त किया है और वहां से भारी मात्रा में खाने पीने के सामान के अलावा कपेड़ और गैस चूल्हा भी बरामद किया है। इससे पहले नगर के मोहला पुराने पुंछ में संदिग्धों के देखे जाने से पुंछ शहर में भी सुरक्षा अलर्ट पर है। आतंकियों की धरपकड़ के लिए तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं। वहीं उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के उड़ी सेक्टर में पाकिस्तान ने एक बार फिर घुसपैठ की नापाक कोशिश की है, जिसे सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया है। तो आपको बता दें, एक बार फिर से पाकिस्तान ने नापाक हरकत करते हुए घुसपैठ की कोशिश की है, लेकिन सेना ने जो है इसको यहां पर असफल बना दिया है और इस कोशिश को नापाक जो है वो कर दिया है। फिलहाल हमारे साथ इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए फिदा हुसैन जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता अनंतनाग से, सीधे उनका रुख करते हैं। फिदा, क्या कुछ हालात बने हुए हैं? एक बार फिर से वहां पर संदिग्ध या फिर जो आतंकवादी हैं वो घुसपैठ की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन सेना किस तरह से मुस्तैदी दिखा रही है और क्या अभी हालात बने हुए हैं वहां पर? देखिए चेतन, मैं आपको बता सकता हूं कि अगर हम दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग के अंदरवन इलाके की बात करेंगे, जो कि एक जंगल से सटा हुआ इलाका है, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस को एक पक्की सूचना मिली कि वहां पर एक हाइड जो है वहां पर मिलिटेंट हो सकते हैं। जब उन सेना की नफरी वहां पर पहुंची और उन्होंने चारों ओर से उसको घेर लिया है, तो वहां पर यह बताया जाता है कि गोली चलने की आवाज जो है वो सुनाई दी कि ऐसा लगा। जब पुलिस ने ट्वीट किया तो उससे ये पता चला कि अब मुठभेड़ शुरू हो गई है। लेकिन समय बीतने के साथ साथ जब वहां पर सुरक्षा बल उस स्थान पर पहुंचे जहां पर यह हाइड बनाई गई थी, जहां पर छुपने के लिए जगह बनाई गई थी, वहां से बिस्तर जो है वो बरामद किया गया है और साथ ही साथ वहां पर एक गैस सिलेंडर भी पकड़ा गया है और उसके साथ साथ अन्य सामान भी वहां से बरामद किया गया। जो चित्र हमारे पास पहुंच गया है उनसे साफ तौर पर यह दर्शाया जाता है कि वहां पर मिलिटेंट जो है वो वहां पर कहीं ना कहीं पे उस सुरंग का इस्तेमाल करते थे। अब क्योंकि वहां पर अभी जो समय 12:30 हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कॉन्टैक्ट मिलिटेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच अभी नहीं हुआ है। अभी तक कितने लोग वहां पर होने की संभावना है, क्या कोई ऐसी अपडेट है? चेतन, अभी देखिए चेतन, अभी इस पे टिप्पणी करना कितने थे कितने नहीं थे, क्योंकि अभी भी सुरक्षा कर्मी के जवान जो है वो वहां पर मौजूद है और उन्होंने वसी कर दिया है उस कॉर्डन को, और ये कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन कितनी देर तक चलेगा, क्या कॉन्टैक्ट संभव है, ये तो कुछ ही समय के बाद पता चलेगा। लेकिन अभी तक कोई संपर्क नहीं हुआ है और अभी भी वहां पर सुरक्षा बलों ने अपना घेरा जो है वो वसी कर दिया है, यानी कि अगर एक जगह पे था और उसको और फैलाया गया ताकि अगर मिलिटेंट कुछ देर के लिए वहां से भागे भी हो तो वो कितनी दूर तक भागेंगे, ये तो सुरक्षा कर्मियों ने ही वहां पे सोचा होगा कि कितने वसी हमें ये कॉर्डन और करना है। लेकिन अभी मैं बता सकता हूँ आपको कि अभी कोई कॉन्टेक्ट नहीं हुआ है। इनिशियली में वहां पे गोली चलने की आवाज जो है वो सुनने को मिली, लेकिन अभी तक कोई संपर्क नहीं हुआ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फिदा, इस खबर पर नजर बनाए रखेगा। एक बार फिर से आपको बता दें, अनंतनाग में इस तरह की हरकत को आतंकवादियों ने अंजाम दिया है, घुसपैठ की कोशिश की है। इतना ही नहीं, इस दौरान वहां पर सुरक्षा बलों ने आतंकी ठिकाने को ध्वस्त किया है और भारी मात्रा में खाने पीने का सामान भी बरामद किया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर इतना सामान वहां पर रखा गया है तो कहीं ना कहीं एक बड़ी फिराक में आतंकवादी हमेशा रहते हैं।
आगे बढ़ते हैं। G20 सम्मेलन के करीब आते ही सुरक्षा बल चाक चौबंद हो गए हैं। जिला साबा सहित अन्य भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर भारतीय सेना और सीमा सुरक्षा बल के जवान पूरी तरह से चौकस हैं। कश्मीर में हो रहे G20 सम्मेलन को लेकर पाकिस्तान बुरी तरह से बौखला गया है और इस सम्मेलन में खलल डालने के नापाक इरादे को लेकर पाकिस्तान घुसपैठ करवाने और आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के प्रयास कर रहा है। तो आपको बता दें, G20 सम्मेलन काफी करीब है और जैसे जैसे ये दिन नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे पाकिस्तान को ये हजम नहीं हो रहा है और नापाक हरकतें लगातार सीमावर्ती इलाकों में हो रही हैं। ये तस्वीरें हैं सांबा इलाके की, जहां पर सुरक्षा पूरी तरह से चाक चौबंद है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और पूरी तरह से सुरक्षा बल मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ ऋषि खजूरिया हमारे संवाददाता सांबा से इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं और पूरी जानकारी इस खबर पर लेते हैं। ऋषि, वहां जैसे जैसे ये डेट या ये तिथि जो है वो नजदीक आ रही है G20 की, वैसे वैसे हलचल काफी तेज हो रही है सीमावर्ती इलाकों में देखा जाए तो, अभी क्या वहां पर हालात हैं, किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो है वो सुरक्षा बल तैनात है? देखिए शीतल, आपको बता दें कि अभी मात्र कुछ दिन बचे हुए हैं G20 समिट को लेकर, उससे पहले जो तैयारियां हैं उसे अंतिम रूप दिया जा रहा है, लेकिन सुरक्षा के हवाले से बात करें तो जो बॉर्डर का इलाका है, तमाम अंतर्राष्ट्रीय सीमा का जितना भी इलाका है वहां चप्पे चप्पे पर जो सुरक्षा बल है उनकी अतिरिक्त तैनाती जो वो कर दी गई है। जो जवान है वो पूरी नजर जो है वो हर एक एक्टिविटी के ऊपर रख रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले G20 पहले जो यहाँ पर हाई अलर्ट घोषित किया गया था, राष्ट्रीय सीमा की बात करें या फिर नियंत्रण रेखा की बात करें, यहाँ पर जो वो ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि यहाँ से घुसपैठ हो सकती है, जिसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान बात करें तो वहाँ लॉन्च पैड पर कई आतंकी सक्रिय हैं और वो भारतीय सीमा में घुसपैठ करने फिराक में, यानी वो कहीं ना कहीं G20 समिट में खलल डालने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी को कुछ दिन पहले आपने देखा आर्मी स्कूल के दिशा निर्देश दिए गए, अगले जो निर्देश तक जितना भी इलाका अंतरराष्ट्रीय सीमा का है उस चप्पे चप्पे पर वहां पर निगरानी की जा रही है, ड्रोन की मदद ली जा रही है, वहां पर जो जो अत्याधुनिक उपकरण है उनका इस्तेमाल किया जा रहा है कड़ी नजर रखने के लिए। जो तैनाती यहाँ पर बॉर्डर पर की है उसमें जो वो डिपार्टमेंट को एक्स्ट्रा किया गया है, क्योंकि इस तरह से पेट्रोलिंग लगातार की जा रही है, बढ़ाया गया है और एक्टिविटी पर नजर रखी जा रही है। और खास ये सवाल की जानकारी मिल पा रही थी, तो सूचित की तरह से जानकारी मिल पा रही है कि इन तो टनल के माध्यम से घुसपैठ है वो, और उसी को लेकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा का चप्पे जो किया जा रहा है, यहाँ पर एंटी टनल जा रहे हैं, बॉर्डर पर पेट्रोलिंग की जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं एक चुनौती, लेकिन उस चुनौती से पार पाना है हमारे सुरक्षा बल बेहतरीन तरीके से जाते हैं। और इसी के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ साथ अगर हाईवे की सिक्योरिटी को लेकर बात करें तो वहां पर पुलिस के तरफ से जो नाका है अलग अलग जिला सांबा में बिल्कुल भी रिपोर्ट पर रख दिया गया है, वहां पर भी जो जवान है पुलिस के उनकी अतिरिक्त तैनाती की गई है, जिसमें महिला पुलिसकर्मी महिला पुलिस ऑफिसर भी शामिल है। तो हर एक एक्टिविटी पर नजर रखी जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान जो इस समय बुखलाहट में है उसे तकलीफ दी है कि भारत में किस तरह से इस समय G20 समिट होने जा रहा है। बिल्कुल ऋषि, अपने आप में सुरक्षा बलों के सामने सुरक्षा बलों के सामने अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। और कैसे आपको लगता है, सीमावर्ती इलाकों की बात की जाए तो वहां पर सुरक्षा या सेना या जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो इस G20 के आसपास की जो समय है उसको पार पा सकेंगे, इस चुनौती को कैसे खड़ा उतरेंगे? देखिए बिल्कुल, चुनौती एक बड़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं इससे पहले भी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया है, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा भारत से खलल डालने की कोशिशें की है। यहाँ आपने देखा कि ड्रोन के माध्यम से वो हथियारों की खेप भेजता है, ड्रोन के माध्यम से नशे की खेप भेजता है, उनके OGWs उनके हैंडलर्स यहाँ पर जो वो इस खेप को कलेक्ट करते हैं। कश्मीर घाटी में आपने देखा कि सिविलियंस को टारगेट किया जाता है, उन्हें हथियारों का इस्तेमाल कर जवानों को टारगेट किया जाता है, लेकिन एक रणनीति जो स्ट्रेटेजी है वो यहाँ पर सुरक्षा एजेंसियों ने हमारे सुरक्षा बलों ने इस तरह बनाई है। और G20 समिट किसी तरह का कोई खलल ना पड़े, पाकिस्तान की हर एक्टिविटी पर नजर रखी जा रही है, और जो जो भी जानकारी आ रही है उस जानकारी को जो वो सीक्रेट तौर पर रखते हुए हमारी जो सुरक्षा बल है उस रणनीति पर जो वो खरा उतरने के लिए तैयार है। और जो हमारे वाइटल इंस्टॉलेशन है वहां पर भी जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है, जितने भी तमाम संस्थान है हमारे जो स्कूली संस्थानों की बात करें तो हर जगह इस समय सिक्योरिटी व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है। खासतौर पर जम्मू कश्मीर में आने वाली हर एक गाड़ी की बात करें उसकी गहनता से जांच की जा रही है, चाहे वो छोटी गाड़ी हो बड़ी गाड़ी हो,
बड़ी गाड़ी का जिक्र मैं कर रहा हूँ जो असेंशियल सप्लाई कश्मीर घाटी जाती है। आपको याद होगा कि असेंशियल सप्लाई की आड़ में कई बार हथियारों की खेप कश्मीर घाटी पहुंच चुकी है। तो पाकिस्तान जो इस समय पूरी कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर माहौल को खराब किया जाए, लेकिन उससे पहले हमारे जवान पूरी नजर रखे हुए हैं और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा अगर पाकिस्तान कोई भी इस तरह की जो नापाक हरकत है उसे अंजाम देगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। तो आपको बता दें पाकिस्तान जितनी भी कोशिश करे उस कोशिश को नाकाम बनाने के लिए ये बॉर्डर या सेना पे खड़े ये जवान हैं जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरह मुस्तैद हैं और हर पल नजर रखी जा रही है, यंत्रों से नजर रखी जा रही है, वहां पर ड्रोन के जरिए जो पाकिस्तान हमेशा इस तरह की कोशिश करता है उस पर भी सुरक्षा बलों की, सुरक्षा एजेंसियों की और पूरी तरह से वहां पर नजर बनाए हुए हैं कि आखिर किसी भी तरह का यहां पर पाकिस्तान कोई G20 को लेकर या G20 से पहले यहां पर कोई ऐसा कदम ना उठाए जिससे इस बैठक में कोई भी खलल जो है वो सामने आ सके। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धियों का सिलसिलेवार गुणगान करना शुरू कर दिया है। समूचे देश की तरह जम्मू में भी पार्टी मुख्यालय में इस बाबत आज बैठक का आयोजन किया गया जिसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना सहित प्रदेश के कई बड़े नेता शामिल हुए। कर्नाटक की हार के बाद से पार्टी आत्ममंथन कर रही है। मोदी के 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम भी इसी कड़ी का हिस्सा है। तो मोदी के 9 साल होने पर यानी केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर देश के अलग अलग हिस्सों में ये बैठकें देखी जा रही हैं और इसी कड़ी में जम्मू में भी बीजेपी की ओर से ये बैठक जो है ये रखी गई है, हुई है और इस बैठक में कर्नाटक चुनाव पर भी मंथन किया गया है। फिलहाल हमारी सहयोगी इस वक्त जुड़ गई हैं शिल्पा, सीधे शिल्पा का रुख करते हैं। शिल्पा, ये बैठक अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है और 9 साल पूरे होने पर यह बैठक की गई है, इसके अलावा क्या कुछ मुख्य मुद्दे रहे हैं इस बैठक में? जी आपको बताते चले कि 9 साल मोदी सरकार के बेमिसाल, यानी कि 9 साल मोदी सरकार को पूरे हो चुके हैं जिसके चलते ये बैठक जो है वो रखी गई है, मीटिंग जो है वो देखने को मिली। आपको बता दें कि इस मीटिंग में साफ तौर पर ये बताया गया है कि आने वाले समय में यानी कि एक मत तक कार्यक्रम जो है वो देखने को मिलेंगे। अगर कार्यक्रम की बात करें तो इन 9 सालों में जो भी केंद्र सरकार की तरफ से योजनाएं जो है वो आम जनता को दी गई, जहां पर आम जनता जो है वो लाभ उठाती हुई नजर आ रही है, इन योजनाओं के बारे में अवेयर किया जाएगा, लोगों को बताया जाएगा कि 9 सालों में केंद्र सरकार की तरफ से कौन कौन सी योजना जो है वो आम जनता को दी गई है। आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि 3 मई से इस कार्यक्रम शुरू किया जाएगा और लोगों को अवेयर किया जाएगा। आपको बता दें कि 28 मई को प्रेस वार्ता की जाएगी जहां पर मीडिया में जो है ये बताया जाएगा कि 30 मई को इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, यानी कि कार्यक्रम जो है वो देखने को मिलेंगे जहां पर लोगों को अवेयर किया जाएगा 9 सालों में क्या क्या योजना जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से दी गई है, आम जनता इसको कितने तरीके से लाभ उठा पा रही है, इससे रिलेटेड जो है वो बातचीत की जाएगी। साथ ही साथ बात करें कर्नाटक इलेक्शंस की तो कहीं ना कहीं कर्नाटक इलेक्शंस का झटका जो है वो भाजपा सरकार को लगा है जिसके चलते गतिविधियों को बढ़ा दिया गया है, दोबारा जो है वो देखने को ना मिले इसके चलते जो गतिविधियां है उसको बढ़ा दिया गया है। बिल्कुल, क्या सुगबुगाहट देखी जा सकती है जम्मू कश्मीर के चुनाव की, या ऐसा कुछ माना जा सकता है कि अब कहीं ना कहीं आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में भी चुनाव होंगे और अब भारतीय जनता पार्टी तैयार हो रही है? देखिए जिस तरीके से बैठक जो है वो देखने को मिल रही है जहां पर 9 साल में जो भी कार्यक्रम जो भी योजनाएं जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से की गई है, उन 9 सालों की जो भी योजनाएं हैं उन्हें जो है लोगों को बताया जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये आपको बताइए कि जिस तरीके से ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में, जल्द ही आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में चुनाव जो है वो देखने को भी मिल सकते हैं, क्योंकि बैठकें जो है वो देखने को मिल रही है, गतिविधियों को जो है वो बढ़ा दिया गया है, तो ये बताया जा सकता है, कहा जा सकता है कि आने वाले समय में जल्द ही जम्मू कश्मीर में चुनाव भी हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा ये तमाम जानकारी के लिए। तो ये आने वाला वक्त ही बता पाएगा कि आखिर जम्मू कश्मीर में चुनाव कब होंगे, लेकिन उससे पहले कल कर्नाटक में जो परिणाम सामने आए हैं उसके बाद बीजेपी ने मोर्चा फिर से संभाल लिया है और उस पर चिंतन मंथन भी शुरू कर दिया है कि आखिर हार का वजह क्या है। हालांकि जम्मू कश्मीर में भी चुनाव का मुद्दा बना हुआ है कि आखिर जम्मू कश्मीर में चुनाव कब होंगे। तो ही बरसात से पहले जम्मू शहर के नालों की साफ सफाई के जम्मू नगर निगम के दावे खोले सिद्ध हुए हैं। लोगों की माने तो अभी तक जम्मू शहर में जम्मू नगर निगम ने नालों की साफ सफाई का कार्य शुरू भी नहीं किया है, जिससे जम्मू शहर में बरसात के मौसम में जलभराव की आशंका जताई जा रही है।
तो ये तस्वीरें आप जम्मू की देख रहे हैं और जम्मू में इस तरह की तस्वीरें सामने आना वाकई में एक सवाल खड़े करता है। और जिस तरह से जम्मू नगर निगम के जो दावे हैं जम्मू को बेहतर साफ सफाई और जो ड्रेनेज का सिस्टम है उसको यहां पर सुदृढ़ करने के लिए, लेकिन वो दावे पूरी तरह से खोखले हुए नजर आ रहे हैं और आप तस्वीरों से खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह वहां पर स्थिति इस वक्त बनी हुई है। और इस वक्त मेरे साथ रितिका जुड़ गई हैं, रितिका राजपूत हमारी संवाददाता हैं जम्मू से, सीधे उनका रुख करते हैं। रितिका, जो दावे जेएमसी करती है उन दावों पर खरा उतरना उनका अभी तक सामने निकलकर नहीं आया है और जो तस्वीरें बयां कर रही हैं उसमें साफ तौर पर दिख रहा है जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो साफ सफाई की व्यवस्था है वो चरमराई हुई है पूरी तरह से। बिल्कुल, आपको बता देना चाहते कि नगर निगम का यहाँ पे सुस्त रवैया जो है वो हमें कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि पिछले साल की बात करें तो पिछले साल भी इन नालों की सही समय पे पूरी सफाई जो थी वो नहीं हो पाई थी, जिसके चलते 1 करोड़ रुपए तक का नुकसान हुआ था। और ये जो सफाई का काम है ये मानसून शुरू होने से पहले खत्म हो जाना चाहिए था। अब की अगर बात करें 45 से लेके 50 दिन बचे हैं मानसून आने में और उससे पहले ये कार्य खत्म हो जाना चाहिए था, और इसके लिए 1.5 करोड़ तक की लागत जो है वो लगाई जा रही है और समय पर ये काम पूरा नहीं होता है। तो आप सामने ही यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा पैसा भी इस बार बर्बाद होता हुआ हमें नजर आएगा। अब तक के कार्य की जो समीक्षा की गई है 60% तक का कार्य ही पूरा हो पाया, और जम्मू के ज्यादातर इलाकों में जब भी आप विजिट करते हैं ज्यादातर नाले और छोटी नालियां निकाय के लिए बनाई गई है वो इसी तरीके से गंदगी से भरी हुई नजर आती है। बिल्कुल, जिस तरह से स्मार्ट सिटी बनाने का जो सपना संजोया है जम्मू को, ऐसे कैसे पूरा होगा जब एक कोऑर्डिनेशन के साथ जम्मू के अंदर काम नहीं होगा, साफ सफाई नहीं हो पाएगी, ड्रेनेज सिस्टम जो है वो सही नहीं होगा, तो ये सपना कैसे पूरा होगा? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जम्मू में ज्यादातर बदतर हालत होती है, जब भी मानसून का सीजन आता है बारिशों के होते ही ये नाले ओवरफ्लो हो जाते हैं, सारी गंदगी सड़कों पे आती है और बड़े बड़े जाम जो है गाड़ियों के वो भी इस वजह से लगते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह निकल के आ रही है क्योंकि ज्यादातर नालों की सफाई के लिए सिर्फ 1 JCB निकाली गई है और 200 के करीब करीब कारीगर है जो लगातार काम कर रहे हैं सफाई का, लेकिन यहाँ पे ढीला रवैया जो है की वजह से ये कार्य पूरा नहीं हो पा रहा है। और 40% तक का कार्य अभी भी पेंडिंग है, जिसमें रिहाड़ी की बात करें, बख्शी नगर की बात करें और अन्य जो इलाके हैं मेन जम्मू सिटी की अगर बात करें, ज्यादातर इलाकों के नाले जो है वो पूरे तरीके से साफ नहीं हो पाए और जम्मू सिटी को स्मार्ट सिटी बनाने का सपना भी साकार होता हुआ नहीं दिखा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें एक बार फिर से ये तस्वीर आप देख रहे हैं जम्मू की, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरह वहां पर थोड़ी सी बारिश के बाद स्थिति जो है वो पूरी तरह से चरमरा जाती है और लगातार पानी बहता है, सड़कों पर भी पानी आ जाता है, जिस वजह से लोगों को, आम लोगों को सड़कों पर चलने में, आवाजाही करने में काफ़ी दिक्कत होती है। और जो स्मार्ट सिटी का एक सपना जम्मू को बनाने का है वो भी कहीं ना कहीं पूरा होने का यहाँ पर अभी तक इस ओर दिशा में, इस दिशा में जाते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर की कश्मीर घाटी ही प्राकृतिक सुंदरता से मालामाल नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर के कुछ और क्षेत्रों को भी प्राकृतिक ने सुंदरता से मालामाल किया है। इनमें से एक जम्मू कश्मीर का जिला किश्तवाड़ है। किश्तवाड़ के प्राकृतिक सुंदरता से दुनिया को रूबरू करवाने के लिए जिला प्रशासन कई तरह के प्रयास कर रहा है। जिला प्रशासन किस तरह के प्रयास कर रहा है, पेश एक रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर का जिला किश्तवाड़ अपनी सुंदरता और खूबसूरती में किसी से छुपा नहीं है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा छोटे से शहर का नजारा देखने लायक है। यहाँ एक तरफ चिनाब की बहती हुई लहर और दूसरी तरफ खूबसूरत चौगान शहर की सुंदरता को चार चांद लगाने का काम करता है। पहाड़ों पर बिछी सफेद बर्फ की चादर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। वही किश्तवाड़ में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए DC देवांश यादव हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में DC किश्तवाड़ ने जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड विंटर स्पोर्ट्स पहलगाम में एडवेंचर कोर्स ट्रेनिंग के लिए 20 उम्मीदवारों को हरी झंडी दिखाई है। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का उद्देश्य जिला किश्तवाड़ में साहसिक और पर्यटन वृद्धि के लिए संसाधन व्यक्तियों का पूल बनाना है। ये एक एडवेंचर कोर्स है जो कि 26 तारीख तक चलेगा। इसके बाद हमारे पास 25 यंग लड़के तैयार हो जाएंगे जो कि किसी भी टूरिज्म इवेंट में हमारा जो सबसे क्रिटिकल कड़ी होती है ह्यूमन रिसोर्स वो हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा। साथ ही उपायुक्त किश्तवाड़ ने कहा कि जिला प्रशासन ने पहलगाम में जोहार इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड विंटर स्पोर्ट्स में बुनियादी पर्वतारोहण पाठ्यक्रम के लिए पहले ही 5 उम्मीदवारों को भेज दिया है और ये साहसिक पाठ्यक्रम प्रशिक्षण कार्यक्रम उम्मीदवारों के कौशल को और बढ़ाएगा।
और बनाने में भी मदद करेगा। और सेकेंड बैच ऑफ स्टूडेंट्स है, पहले 5 स्टूडेंट्स बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स के लिए गए थे, ये जो सेकेंड बैच है ये जा रहा है एडवेंचर कोर्स के लिए। हम लोग जब भी सिंथन फेस्टिवल कराते हैं, कोई फेस्टिवल कराते हैं, तो पैराग्लाइडिंग वगैरह के लिए हम लोग बाहर से लोग बुलाते हैं। हम राफ्टिंग कराते हैं तो बाहर से लोग बुलाते हैं, रैपलिंग वगैरह छोटी एक्टिविटीज़ के लिए भी बाहर से लोग आते हैं। अगर हमारे पास एक लोकल ह्यूमन रिसोर्स रहेगा तो इन सारे इवेंट्स में हमारा लोकल लड़का लोग एम्प्लॉयमेंट पाएगा और पैसा कमाएगा। तो दैट इज़ द मेन होल एंड सोल एम ऑफ दिस इनिशिएटिव अंडर प्रोजेक्ट संकल्प फॉर स्किल डेवलपमेंट। इतना ही नहीं, इस दौरान युवाओं में काफी उत्साह देखने को मिला और साथ ही जिला प्रशासन की जमकर सराहना की और किश्तवाड़ डीसी देवांश यादव का शुक्रिया अदा किया। आज बेहद ही खुशी का मौका है हम सब के लिए, खास करके किश्तवाड़ के यूथ के लिए, कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ ने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है सभी यूथ्स के लिए, जो कि पहलगाम में होने जा रहा है, जोहार इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में, जिसमें बहुत सारी एडवेंचरल एक्टिविटीज़ जो है वो यूथ्स को कराई जाएगी, ताकि यूथ जो है आगे जाके एम्पावर और एम्पैनल्ड हो सके इस चीज़ के लिए कि वो अपने आप को टूरिज़्म की फील्ड में भी प्रूव कर सके। एंड हम डीसी साहब और साथ में हमारे इंद्रजीत जी का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे। और एडवेंचरिंग और ट्रेनिंग वहाँ इंस्टीट्यूट में दी जाएगी। हम डीसी साहब का तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने हमें इतना मौका दिया है, इतना सुनहरा मौका दिया हमें वहाँ जाने का, ताकि हम वहाँ से आके यहाँ के जो टूरिस्ट स्पॉट है यहाँ उनको शान करें। हम डीसी साहब का बेहद शुक्रिया करते हैं। मैं डीसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस किश्तवाड़ को नई रोशनी दी है। तो हम जा रहे हैं अभी जोहर इंस्टीट्यूट माउंटेन ट्रेनिंग के लिए, एडवेंचर के लिए कुछ एक्टिविटीज़ की जाएंगी वहाँ। तो हम यहाँ से जाएंगे तो हमारे पास उतनी स्किल्स नहीं है माउंटेनिंग के लिए, जब हम वहाँ से आएंगे तो हमारे पास ऐसी एनर्जी होगी, ऐसा पावर होगा कि हम वहाँ से आके अलग ही एक्सपीरियंस होगा हमें। तो और जो नौजवान हैं आजकल के, जो नशों में मुबतला हैं, वो इनसे दूर दूर जाएँ, ताकि एक अच्छा माहौल बने। किश्तवाड़ में नई रोशनी आई है, मैं डीसी सर का शुक्र अदा करता हूँ। थैंक यू। इसी तरह अगर किश्तवाड़ प्रशासन टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए आगे बढ़ेगा तो किश्तवाड़ में आने वाले दिनों की तस्वीर जरूर बदलेगी, जिससे यहाँ के युवाओं के लिए रोजगार का रास्ता भी खुलेगा। किश्तवाड़ से अजय शान की रिपोर्ट। गेहूं की कटाई के बाद आरसपुरा और बिश्नाह में किसानों ने खेतों में आग लगाना शुरू कर दिया है। खेतों में लगाई आग से जहां धरती के भीतर और ऊपर रेंगने वाले कीड़े मकोड़े आग में भस्म हो रहे हैं, वहीं इसमें प्रदूषण भी बढ़ रहा है। लोगों ने किसानों से खेतों में आग न लगाने की अपील की है। लोगों ने सरकार से अन्य राज्यों की तर्ज पर किसानों को ऐसा केमिकल देने की मांग की है जो खेत में गेहूं की कटाई के बाद रहे अवशेषों को खाद में तब्दील कर दे। जिमीदार जेड़े भरा ने आसपुरा होए जां सचेतगढ़ होए जां बिश्नाह होए, जिथे भी जिमीदार भरा ने उन्हें अगे बेनती करने कि मेहरबानी करो, जिस मौके तुसी फसल की कटाई करते हो तो इन्हां नू नाड़के नू अग नहीं लानी, उहदा जां ते मशीनां कोल भो बना लो ते जां डायरैक्टर साहब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साहब ने जेड़े सरकार वो मेहरबानी करे, जिस तरह पंजाब दे विच कोई ऐसा दवाई आई है उहदे नाल उहदा हैल बनिया जाए, जिहड़ा बाकी भी जमीन च रह के किसान भरावां नू फायदा होए। अग लाने की खातर कई जी जंतु, कई बच्चे जानवर ने जड़े छोटे छोटे जानवर हर किस्म के, उन्दे च भी जान है, और कई मोटर जड़िया ने कई जिमीदार भरावान दियाँ वो सड़ गई अगंधे नाल, उहदे नाल बहुत नुकसान है। किस संबंधित एक समस्या है, ये छोटी समस्या भी नहीं काफ़ी बड़ी समस्या है। अब गेहूं की कटाई हो चुकी है, अब जो पीछे लोग ज़्यादातर लोग गेहूं की कटाई करवाते हैं कंबाइन से, और जो पीछे अवशेष बच जाता है उसको जलाया जाता है, उस जलाने से कितना हमारा इकोसिस्टम बर्बाद होता है वो भगवान ही जाने। छोटे छोटे कीड़े मकोड़े चींटियाँ वगैरह और सांप वगैरह जल जाते हैं, और खाली वो नहीं जलते, उससे जो प्रदूषण का धुआं निकलता है उससे बुजुर्ग बच्चों को बहुत भारी नुकसान होता है और उनकी सेहत पर बड़ा ही विपरीत असर पड़ता है। हम सरकार और विशेषकर एलजी सरकार से ये निवेदन करना चाहते हैं कि आप बाकी राज्यों की तरह, जैसे वहाँ पे उन इन अवशेषों को जलाने के लिए कोई केमिकल विभाग कृषि विभाग की तरफ से दिया जाता है, यहाँ भी मुहैया कराया जाए लोगों को, ताकि ये फसल जलने से बचे, प्रदूषण कम हो, धरती का तापमान भी कम हो, और धरती भी बर्बाद ना हो, और छोटे बड़े कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू वगैरह सब बच जाए।
फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।